बाराबंकी जनपद में बड़े दिनों के बाद जीआरपी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भाई साहब, चार सातिर अंतर जनपद के गिरोह के चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और भाई साहब, अपराधियों के चेहरे तो देखिए, सांस ऊपर नीचे फूल रहे थे। जब प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार मिश्र द्वारा प्रेस वार्ता की गई और चोरों के कब्जे से 3 लाख रुपए करीबन और साथ ही 17 अदद मोबाइल फोन टेबल पर रखा, जरा गौर फरमाते जाइएगा। फिलहाल बैग भी और नकदी बरामद किए गए। मामले की पूरी जानकारी प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार मिश्र ने दी है, तो वो क्या करे, जरा ध्यान से सुनिएगा। वैसे ही बाराबंकी जनपद में जीआरपी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये एक इनका गिरोह है, लुटेरों और चोरों का गिरोह है, जो ट्रेनों में यात्रियों से पहले ट्रेनों में घूमते हैं और रैकी करते हैं। रैकी के बाद या जो देख लेते हैं कि जो थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट है और उनके बैग में कुछ पैसा वगैरह है, उनको आइडिया मिल जाती है। तो उनका दो तरीका है, एक तो चलती ट्रेन में बैग लेकर घुस जाते हैं, दूसरा अगर उनके साथ बच्चे वगैरह हैं तो पहले बच्चों को छेड़ते हैं, बच्चे को मतलब डिस्टर्ब करते हैं ताकि उनका ध्यान डाइवर्ट हो, इतने वो अपना सामान लेके उतर जाते हैं। और जैसे कोई मोबाइल से गेम खेला, उतने मोबाइल लिफ्ट किए लेके चल दिए, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। और ये विभिन्न ट्रेनों में करीब 17 मोबाइल लूट और चोरी के 17 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं और लूट का जेवरात बरामद हुए हैं, कुछ नकदी बरामद हुए हैं। कुल कितने की रिकवरी बरामद हुई है? करीब 3 लाख रुपए की कीमत की सामान के पास से मोबाइल और नकद 3 लाख रुपए के जेवरात क्या पता किया, मेरे हाथों नहीं और जगह पता किया जा रहा है। और इसमें जो मोबाइल और बरामद हुए कुछ तो हर थाने के मुकदमे लिखे गए हैं उससे है, कुछ अन्य थानों से उनको पता कराया जा रहा है। इस गिरोह में 4 लोग हैं ये, और कुछ बताया बयान जैसे देगा जैसे बताएगा, कुछ और लोग को भी उसमें काम भी किया जाएगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनका एक गिरोह है और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों से सक्रिय हैं ये लोग? ये विगत 1 साल से सक्रिय हैं, 1 साल से, जैसा कि अभी तक जांच से संज्ञान में है, पिछले 1 साल से। तो अंजनी कुमार मिश्र की बातें सुनकर के आप पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि 5,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश दास की ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शिवम सिंह से हर जुड़ी खबर आपको मिलेगी सबसे पहले सिर्फ ABN News 24 पर।